हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अरब मेहता आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल QCI पर। चूंकि जैसा कि मैं बच्चों आपसे वादा किया था कि मैं एक एडवांस बूस्टर सीरीज लेकर आऊंगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हर टॉपिक पे कवर करूंगा, तो मैं वही लेकर के आया हूं। और देखो, एक क्लास में तो बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ी चैप्टर है, आपको पता है लगभग एक से डेढ़ महीने पढ़ा जाता है अगर ट्वेल्थ में बिल्कुल फ्रेशर पढ़े तो इसमें कंटेंट बहुत सारे हैं। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि जो भी 7-8 अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कंबाइंड कॉन्सेप्ट्स पे बेस हो, तो वैसे वैसे क्वेश्चंस लेने की ट्राई करूंगा और आप मेरे साथ रहे, आपको बिलीव मी बहुत प्यारा और शानदार मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पर भी क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी, आप रीड करोगे और मैं आपके साथ रीड करूंगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करते। चलो रीड करो क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन है, अरे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट एट ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग एंगल, जैसे ग्रेजिंग एंगल बोले तुरंत खून में एक बार दौड़नी चाहिए, याद करो थीटा अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। ऑन ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लेब ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ थिकनेस टी, 1.0 फिगर दे रखा है, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द रीजन ए 0.0, द मीडियम हैज़ अ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एन ऑफ वाई इक्वल्स टू के वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 1/2 है। बेटा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एन वाई की वैल्यू है के वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 1/2, ये के की वैल्यू, एन की वैल्यू बेटा। और उसके बाद फिर आपसे बोला है कि K की वैल्यू 1 दे रखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, ये तो ऑब्वियसली पता होगा आपको, फिगर दे रखा है बेटा। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्टेन ए रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रे एट अ पॉइंट बी x, y इन द मीडियम एंड द इंसिडेंट एंगल एट द पॉइंट। तो आप देखो, चलो मैं फिगर बना रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। ये x है बच्चों, ये y है, ओके। और आपको फिगर में क्या दे रखा है, ये एयर है इधर भी और इधर भी, क्या है, थोड़ी सी रफ्तार तेज़ हो जाएगी बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहना, थोड़ी सी रफ्तार तेज़ हो जाएगी क्योंकि अपने को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करने हैं। और थिकनेस 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है ग्रेजिंग इंसिडेंस पे, अब आपको पता है कि ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा तो ग्रेजिंग इंसिडेंस बेटा लगभग अप्रोक्सीमेट क्या मान के चलते हैं बेटा, थीटा बराबर 90 डिग्री है ना। तो अब देखो, आप ध्यान से अगर देखोगे तो लगभग 90 डिग्री, तो मैं इसको देखो इस तरीके से, ये एयर में है और ये कितना एंगल मान के चल रहा हूँ, लगभग मान लो आप 89.99, क्योंकि 90 डिग्री मानोगे तो इस तरीके से ऐसे चले जाएगी, तो लगभग हम थोड़ा सा कम मान रहे हैं ताकि इधर से जाने वाली है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई के साथ वेरिएबल है, तो आप सोचो वाई जैसे जैसे ऊपर जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हो रहा है, तो आप रेयर से कहाँ जाने वाले हो, डेंसर मीडियम में। तो सोचो अगर यहाँ पर डेंसर है, फिर इस तरीके से ऊपर जाओगे एंड सोन चलता जाएगा, तो ये पहले जब इस वक्त आएगी तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा रेयर से डेंसर क्या होगा, नॉर्मल के पास, तो ये बेंट हो जाएगी इस तरीके से, और फिर इसके बाद फिर है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर वेरिएबल। तो इस तरीके से करते करते आप रियलिटी डायग्राम देखोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, एग्जैक्टली ये बेटा ये ऐसा बनेगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉइंट पी जो है x1, y1 है, और बेटा जो बी पॉइंट है वो कोई x, y है। अब आप इसको ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में आपसे पहला पार्ट पूछा है स्लोप, तो अगर देखो थोड़ा सा बस चमक आने के लिए, अगर मान लेता हूँ कि यहाँ किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये आई पे आ रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस आई, तो ये वाला बेटा एंगल क्या होगा, ये भी 90 माइनस आई होगा, बिल्कुल 90 माइनस आई होगा सर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से बोर्ड पर ध्यान से। अब देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा बराबर dy/dx, और यही क्या होता है, स्लोप। अब क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा, वो नीचे क्या बोल रखा है, स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रे मीडियम एंड द इंसिडेंट एट द एंगल पॉइंट ऑफ पी। तो अब ध्यान सुनो, तो टेन थीटा लिखोगे, लेकिन थीटा यहाँ पर बेटा कौन सा वाला लोगे, ये वाली स्लोप अगर लिखूंगा इस पे स्लोप, तो थीटा कौन सा, 90 माइनस आई,
तो बताओ इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या लिख दूं, आप चाहो तो यहां से लिख दो, टेन ऑफ 90 माइनस आई, तो बराबर बताओ क्या आ जाएगा बेटा, एम बराबर कॉट आई। तो पहले का आंसर ये है, पहले का आंसर ये है। बताओ कोई तकलीफ आई? बिल्कुल भी कोई तकलीफ आई? बिल्कुल नहीं। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं फिर से, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y ऑफ x ऑफ द रे इन द मीडियम। ओ हो, ये तो बेटा प्यारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा एक पार्ट इसमें मिस है, सपोज अगर तुमसे ये पूछ लिया जाता कि इस वक्त n ऑफ sin i की वैल्यू बताओ, मैं इसे एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता हूँ। ये तो पहला पार्ट है, आप समझो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इस वक्त यहाँ पर n ऑफ sin i की वैल्यू बताओ। अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको ऐसे ही बस एक्स्ट्रा पूछ लिया। चलो सपोज ये क्वेश्चन होता, n ऑफ sin i कहाँ बताना है, इस पॉइंट पे बेटा, b पॉइंट पे बताना है आपको, ठीक है? तो बताओ क्या करोगे? अब आपको इसके लिए एक प्यारा सा कंसेप्ट है वो आना जरूरी है। अब वो कंसेप्ट क्या, ध्यान से देखो, याद करो, खूब आपने पढ़ा होगा, फ्लैशबैक देखो, जहां भी आप पढ़े होंगे आपको पढ़ाया गया होगा बेटा। अगर सपोज ये रे यहां से जाती है और ये म्यू है और ये थीटा है, ठीक है, ये म्यू वन हो जाएगी, इस तरीके से जाएगी और डेंसर जाते वक्त, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको? तो याद करो बेटा क्या लिखते थे, म्यू वन साइन थीटा वन बराबर, इस जगह इसको यहाँ पर चिपका लो, बताओ क्या लिखते थे, म्यू वन साइन थीटा वन बराबर क्या लिख दो बेटा, म्यू टू साइन थीटा टू, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, इस तरीके से आप कहाँ तक जाओगे, म्यू एन तक जाओगे, और ये क्या लिखोगे, थीटा एन। तो आप ध्यान से देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा एक बार आपने ये लिखा, फिर क्या लिखोगे इसके लिए, म्यू टू साइन थीटा टू बराबर म्यू थ्री साइन थ्री, फिर क्या लिखोगे, म्यू फोर साइन थीटा टू, इस तरीके से बराबर चलता जाएगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, म्यू इन टू साइन थीटा, इसको एन टाइम्स भी बोल सकता हूँ, बराबर क्या होने वाला है, कॉन्स्टेंट, बराबर क्या होने वाला है बच्चों, कॉन्स्टेंट, ये वाली चीज आने वाली। तो ये इतना सा आपको पता है, ये कांस्टेंट होने वाली है। तो इस जगह पर n sin i पूछा था किसी भी पॉइंट पे, इसमें अगर b पॉइंट पे पूछा था तो बताओ क्या लिखोगे यहां से, n sin i, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, चलो बताओ n sin i क्या लिखोगे, यहां पर देखो सिग्नेचर लगाओ ध्यान से, अगर यहां से सोचोगे तो क्या लिखोगे, वन इन टू sin i, ठीक है। अब ये वन कौन सा, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन टू साइन ई, बराबर आपको क्वेश्चंस में क्या दे रखा है वो, आप ध्यान से देखो क्वेश्चंस में दे रखा है, हाँ, तो इस वक्त क्या लिखोगे फिर, एन इन टू साइन थीटा टू है, तो साइन थीटा टू और थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है इस वाले में, बी एक्स कमा वाई 90 माइनस आई, बिल्कुल सही बेटा। तो आप क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख लो, इस वाले को लिखूंगा, बताओ यहां क्या लिखूंगा, म्यू इंटू साइन आई, और दूसरे में आपको उसने क्या बोल रखा है, एन इंटू साइन आई कॉन्स्टेंट है, तो एन इंटू साइन आई, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अब एक म्यू की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, सोचो बेटा वन और साइन आई की वैल्यू कितनी है, 90, तो ये क्या आ गया, वन बराबर एन साइन आई, ये समझ आया ना क्या बोला, तो एन साइन आई की वैल्यू क्या आ गई यहां से, वन आ गई। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर वो पूछता तो एन साइन आई की वैल्यू क्या लिखना होता, वन, क्योंकि चूंकि ये कांस्टेंट है तो आप चाहे एयर में लो तो रहना वही है, तो इसलिए मैंने लिख दिया बेटा। तो अगर इस वक्त एन साइन आई की वैल्यू पूछता तो ये लिखता वन। तो ये चलो फर्स्ट पार्ट हो गई, अब मुझे रब करना होगा, थर्ड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट अभी करना है, ऑप्टेन एन इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री वाई ऑफ एक्स ऑफ द रे इन द मीडियम। ये प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, इसे दिमाग में रखना, एम बराबर क्या है, कॉट आई। तो आप ध्यान से देखो, इसे रब कर देता हूं, एम बराबर कॉट आई, रिजल्ट आ गई अपने पास, ओके, इसको हटा देता हूं। अब ध्यान से देखो, अब जो तीसरा पोर्शन पूछा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा आपको मेरे साथ जुड़े रहना हो। हम चूंकि जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, जीवन में यही तो सुना, रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स।
तो अब सोचो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो आपको उसने जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है, अभी मैंने बोला था कितना बताया एन साइन ए की वैल्यू 1, तो इस जगह कितना दे रखा है 90 माइनस आई, बिल्कुल हाँ। तो अब क्या लिखोगे, एम साइन थीटा, सॉरी म्यू साइन थीटा बराबर क्या आया था, कॉन्स्टेंट, बोलो। लेकिन अब जब यहाँ लगाओगे तो यहाँ लगाओगे 1 इंटू साइन 90 बराबर यहाँ क्या लगाओगे म्यू इंटू, अच्छा म्यू किस में, वाई में, और म्यू वाई, अच्छा इसको एन वाई बोल लो चाहे म्यू वाई बोल लो, है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई में ही वेरिएबल है ना, बिल्कुल उसी में वेरिएबल है। देखो आप, तो अब उसमें क्या दे रखा है म्यू 1, सुनना आप ध्यान से, साइन थीटा बराबर, चलो बताओ बच्चों क्या लिखूँ मैं, म्यू वाई इंटू साइन वाई। ये समझ आया ना कैसे कॉन्स्टेंट रखा हूँ बेटा, जो यहाँ होगी एयर में वही तो यहाँ होने वाली है हर बार। तो अब ध्यान से देखो, तो म्यू 1 इंटू साइन थीटा बराबर म्यू वाई इंटू साइन वाई। अब तुम्हें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, म्यू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, के वाई की पावर 3/2, प्लस 1 की पावर 1/2, बोलो सही है, इंटू साइन वाई, और साइन वाई में किसी भी वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंगल कितना है आई, तो मैं इसको साइन आई भी बोल सकता हूँ, समझ गए ना आप क्या बोल रहा हूँ, साइन वाई बराबर साइन आई भी बोल सकता हूँ, क्योंकि किसी भी वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एंगल क्या हो जाएगी बेटा, आई हो जाएगी, तो साइन वाई बराबर साइन आई भी बोल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर साइन आई भी बोल सकता हूँ। अब एक चीज़ ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए आपको, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1/1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, याद है क्या आपको, इसको नीचे नहीं दिख रही होगी आपको, यहाँ लिख दो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, रूट अंडर 1/1 में 1+ कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो सही है, इस वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू लिख रखो तो आपको इतनी चमक आनी चाहिए। अब तो यहाँ पर इस जगह लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर म्यू 1 है, साइन 90 लगभग 1 हो गई, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 बराबर इतना। अब साइन आई की वैल्यू ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं, तो बताओ क्या लिखूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना, ध्यान से, के वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू साइन आई की वैल्यू बोलो क्या लिखूँ, तो साइन आई लगभग वही थीटा है समझ लो, तो क्या लिखोगे बेटा, रूट अंडर 1/1 में 1+ कॉट स्क्वायर आई, और कॉट स्क्वायर आई अभी जस्ट बोला था, कॉट आई बराबर क्या था एम, यही तो स्लोप था बच्चों, तो इसको क्या लिख सकता हूं, रूट अंडर 1+1 में 1+m का स्क्वायर, बोलो सही है। तो अब ध्यान से देखो, तो और के की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, के की वैल्यू 1 दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है 1, इसको यहां से m उठा के यहां चिपका दो, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, चलो बाद में के की वैल्यू रख लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, इसके नीचे नहीं दिख रहा होगा, की वैल्यू 1/2 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/ रूट अंडर के 1/ में 1+ कॉट स्क्वायर आई, बोले तो एम का स्क्वायर, और इधर क्या है 1। अब बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हो, नाउ वी कैन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो बताओ अपने पास क्या दिखेगा, जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो बताओ अपने पास क्या दिखेगा, बताओ 1 बराबर, तो ये तो हो जाएगा के वाई की पावर 3/2 प्लस 1, ये रूट हट जाएगी, और उधर क्या बचेगा बेटा 1/1 एम स्क्वायर, बोलो सही है। तो यहां से आपको क्या दिखेगा, 1+m² इधर आ गई, और उस साइड क्या बचा बच्चों, के वाई की पावर 3/2 प्लस 1, बोलो कोई तकलीफ नहीं ना। अब आप ध्यान से देखो, अब m को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट आई भी लिख सकते हैं, चाहो तो dy/dx भी लिख सकते हो। अब आप ध्यान से देखना, अब यहां पर k की वैल्यू 1 रख सकते हो, और वो k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है 1 है,
ठीक है, और एक चीज तो आपको दिख रहा होगा छम छम, और k की वैल्यू क्या रख सकते हो बेटा 1, k की वैल्यू 1 दे रखी है। तो बताओ यहां से m स्क्वायर, तो आपके पास m स्क्वायर बराबर क्या आ गया y की पावर 3/2, बोलो सही है। और इसको क्या लिख सकता हूँ m को dy/dx, बोलो सही है dy/dx। तो बताओ अपने पास क्या आ जाएगा, अच्छा m को यहाँ से स्क्वायर हटा दो, उस साइड लेके चले जाओ, तो m बराबर क्या आ जाएगी, m बराबर आपके पास, m बराबर क्या आ जाएगी बच्चों, y की पावर 3/4, y की पावर 3/4। और इसको क्या लिख सकते हो dy/dx बराबर y की पावर 3/4। देखो अब कुछ है ही नहीं, अब तो हो गया गेम, बताओ क्या करूं, dy अपॉन में y की पावर में क्या जाएगा 3/4, और इधर क्या जाएगा dx, इंटीग्रेट कर दोगे, बोलो अब इंटीग्रेशन कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा पूछा है, ठीक है, तो अब आ जाएगी आपके पास, इंटीग्रेशन कर लो खटाक से, तो आप देखोगे जो इसका आंसर आ जाता है बेटा x और y में रिलेशन, सॉरी y की पावर 3/4 जाएगी, तो y की पावर -3/4, तो आ जाएगी y बराबर x^4/4, ये आपके पास आंसर। नाउ थर्ड पार्ट अपन पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट बेटा रीड कर सकते हो आप, थर्ड पार्ट क्या, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट x1 y1 इफ द पॉइंट p1 वेयर द रे इंटरसेक्ट्स द अपर सरफेस ऑफ स्लैब एयर बाउंड्री, तो ये वाली कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो और पूछा है फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, इंडिकेट द पाथ, इंडिकेट द पाथ ऑफ द रे सब्सिक्वेंटली। अच्छा अब ध्यान से आप एक चीज देखोगे बेटा, इंडिकेट कैसे करोगे इसकी पाथ, बताओ कैसे इंडिकेट करोगे। अब सोचो यहां भी एयर में था और यहां भी तो एयर में है, तो यहां से रे इंटर मारी, और तुम्हें पता है कि म्यू साइन थीटा बराबर क्या रहना है, कांस्टेंट, बोलो, तो सब्सिक्वेंट अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो ये जब यहां से गई तो वापस ये ऐसे तो नहीं जाएगी, फिर एयर है तो ये इनिशियली पैरेलल हो जाएगी इसके, जो ये 89.9 पे आया था ना लगभग, ये इसके पैरेलल टू बेटा इनिशियल हो जाएगा, तो ये सब्सिक्वेंट इसकी पाथ हो जाएगी पैरेलल टू इनिशियल। तो ये इतना आपका क्वेश्चंस था, ये पूरा क्वेश्चंस समझो, एक क्वेश्चन नहीं था बेटा, चार क्वेश्चंस था, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस था। तो और सबसे इंपॉर्टेंट वाली पार्ट थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अब हम यहाँ पर, आप अच्छे से देखो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर समझ नहीं आए फिर सॉल्यूशन देखो आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस है, बिलीव मी आप पहले नहीं देखोगे, और इसके हर एक पार्ट बहुत प्यारे हैं, और मेरे साथ जुड़े रहना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बेटा, और जब भी जे एडवांस की बात आती है तो कैलकुलेटिव होता है। तो चलो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप रीड करो, मैं भी रीड करता हूं आपके साथ। क्वेश्चन है, कंसीडर ए रिफ्रैक्टिंग मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू √2 कैप्ट इन एयर एंड सराउंडेड बाय 2 नॉन पैरेलल सर्फेसेस सच दैट वन सर्फेस इज फिक्स्ड एंड अनदर सर्फेस इज बीइंग मूव्ड विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकंड। ओहो, अबाउट पॉइंट ए इन क्लॉक वाइज एज शोन इन द फिगर। बढ़िया, एज्यूम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव मीडिया बाउंडेड बाई नॉन पैरेलल सर्फेसेस ऑलवेज रिमेन्स आइसोट्रॉपिक एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब ध्यान सुना, अ लाइट रे फॉल्स ऑन फिक्स सर्फेस एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं, मैं आपके सामने फिगर प्लॉट करने वाला हूँ। चलो तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अगेन 45 डिग्री और ये थीटा है, और ये वाली सरफेस को ओमेगा से घुमा रहे, ठीक है, और ये वाली सरफेस फिक्स्ड है, ये वाली सरफेस फिक्स्ड है, इसको आप देखना पड़ेगा ध्यान से, ये वाली सरफेस फिक्स्ड है, प्यारा क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ, ये वाली सरफेस फिक्स्ड है और ये एंगल 45 पे है। चलो ठीक है, और म्यू की वैल्यू इसकी कितनी दे रखी है, रूट
टू दे रखी है, और फिर जो जो दे रखा होगा धीरे धीरे अपन चेक करते रहेंगे, अपने को दिख जाएगा। चलो अब देखो ध्यान से बच्चों, अब कह रहा है ये वाला सरफेस जो है ना, इसको तुम ओमेगा से घुमा रहे हो, इसको भैया नहीं, ये तो फिक्स्ड है, अब ओमेगा से घुमा रहे हो। हाँ अच्छा जी, तो ऐसे रह जाएगी। अच्छा खूब क्वेश्चन करोगे, 45 रूट टू तो ये कितना 30, ओ और 30 तो फिर ये भी कितना हो जाएगी 30, क्योंकि आप ध्यान से देखो उसने बोल रखा है सारे ऑप्शंस आप पढ़ोगे तो बोल रखा है जब थीटा 60 डिग्री हो, आप पढ़ो सारे ऑप्शंस आपको दिखेगा बेटा, जब थीटा 60 डिग्री हो, सारे इसी पे चेक कर रहा हूँ। तो सोचो ए बराबर फॉर्मूला आपको पता था R1 प्लस R2, और ए को क्या बोल सकता हूँ थीटा, तो आप ध्यान से देखो थीटा बराबर क्या लिखूंगा, ओ हो R1 प्लस R2, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो ये 30 पे जाएगी और ये वाली एंगल ऑफ इमर्जेंस, और आपको पता है ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, बिल्कुल हाँ ओके। अब डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, खटाखट 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 डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, डी थीटा बाय डी टी बराबर डी R1 अपॉन में डी टी प्लस डी R2 अपॉन में डी टी, बोलो सही है। ओ अब ध्यान से देखना बच्चों, ये तो फिक्स्ड है, ये वाली सरफेस तो फिक्स है, तो ये तो निपट गया, ये तो निपट गया, और ओमेगा कितना दे रखा है 2 रेडियन पर सेकंड है शायद, ऐसा मुझे लगता है, तो डी थीटा बाय डी टी और यही चीज क्या बन गया ओमेगा। हाँ लेकिन ये इधर से रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या रखोगे इसकी वैल्यू -2 बराबर, ये तो निपट गया। अच्छा नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन, मैं ऊपर लिख देता हूँ, अब यहाँ पर तो बताओ यहाँ से क्या आ गया बच्चों -2, ये माइनस क्यों रहे, क्योंकि आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन में और इसकी आप थीटा इधर से ले रहे हो, तो आप देखो -2 बराबर ये कितनी आ गई 0, तो ये किसकी वैल्यू आ गई DR2 बाय DT, यहाँ से ये आ गया। ऑप्शन अब चेक करते हैं, ऑप्शन पढ़ो क्या बोल रहा है, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस, ओ पहले एंगल ऑफ इमरजेंस पूछा है विथ रिस्पेक्ट टाइम एंड थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ इमरजेंस पूछा है, तो इस सरफेस पे बेटा स्नेल्स लॉ, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ, ठीक है, जो फिक्स सरफेस नहीं है जो मूव कर रहा है उस पर स्नेल्स लॉ लगा दिया। चलो बताओ स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, N1 इंटू साइन आई म्यू इंटू साइन 30 बराबर, बोलो बाहर तो 1 है तो 1 इंटू साइन ई, अब ई की वैल्यू बोलो कितना है 45, 30 वैल्यू रख दोगे और म्यू की वैल्यू कितना है बेटा √2, ठीक है, बोलो कोई तकलीफ, और इसकी वैल्यू 1/2, तो यहाँ से आपके पास। अच्छा इससे क्या मिला हमें, अगर हम देखें इससे कुछ मिलेगा नहीं, अब यहाँ पर इससे कुछ मिलना है ही नहीं, तो अब जो बच्चे ऐसे कर देंगे ये क्या कर दिया मैंने, ओ तो इसको डिफ्रेंशिएट करना हो क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस पूछें, तो क्या करूँगा अब इसको क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे बच्चों, पहले इसको सिंपली कैसे लिखोगे म्यू इंटू, ठीक है इसको लिख लोगे थीटा, सपोज लो ये लिख लो अभी, और इसको क्या लिखोगे 1 इंटू साइन, बोलो सही है कोई तकलीफ। तो चलो अब देखो आपसे पूछा वो क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस पूछा है, तो आप देखो एंगल ऑफ इमरजेंस पूछा है तो म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है √2 दे रखी है बच्चों, हाँ अब ये वाली वैल्यू ये मान के चलो, अच्छा इसको R2 कुछ बोल लो, R2 ही बोल लो क्योंकि R2 बोले ना, तो ये वाली वैल्यू क्या मान लो R2, तो इसको साइन 1 इंटू साइन, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो या फिर वैल्यू रखोगे डिफ्रेंशिएट करोगे बताओ क्या आएगा, चलो बताओ। आप देखो ऑप्शंस आपके ऐसे मैच करने चाहिए, आप देखोगे बेटा तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो आपके पास आ जाएगा, तो बताओ यहाँ क्या करूँगा बेटा डिफ्रेंशिएट करूँगा बोथ साइड, ठीक है तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान से रहना, इंटू साइन R2 बोलो क्या लिखोगे बेटा cos R2 साइन R2 का,
इनटू क्या लिखोगे डी आर टू बाई डी टी, और उस साइड क्या चला जाएगा वन इंटू साइनी, क्या लिखोगे बेटा साइनी का कॉस ही इंटू डी बाई डी टी। अब देखो ध्यान से आपको दिखेगा, अब कॉस आर टू की वैल्यू क्या रखोगे, आर टू की वैल्यू तो आर टू की वैल्यू रखोगे 30 डिग्री और डी आर टू बाई डी टी कितना है माइनस टू और कॉस ई ई की वैल्यू बेटा कितना है 45। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहां से डी बाई डी टी। तो अब ऑप्शन चेक करो, जब अपने पास यहां से आएगा तो इसको खोल लो और रूट टू कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 वैल्यू रूट थ्री बाई टू इंटू माइनस टू और उधर क्या आ जाएगा कॉस 45 वन बाय रूट टू छमछम हो जाएगी। तो आपके पास डी बाई डी टी ऑप्शन देखो मैच करो वो क्या दे रखा है, तो अपने पास ऑप्शंस देखो क्या दे रखा है टू रूट टू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये इस तरीके से माइनस का है माइनस टू इंटू वन बाई रूट टू, तो ये आ जाएगा रूट थ्री बाई टू माइनस टू रूट थ्री ये आएगी अपने पास बच्चे। ऑप्शन है क्या है सर मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम मूविंग नहीं, ऑप्शंस माइनस में हाँ है बॉम्बे है, बॉम्बे बेटा ऑप्शन सही आ गया बॉम्बे है ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा है तो माइनस से भी कोई मतलब नहीं है, तो बॉम्बे आपका करेक्ट है, बॉम्बे आपका करेक्ट है, बॉम्बे आपका करेक्ट है। तो चलो अब शुरू करते हैं, तो बॉम्बे हो गया, आप चेन्नई के लिए चेक करने वाले हैं ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ मैं चेन्नई के लिए, आप देखो खटाक तो चेन्नई के लिए आप देखो, अब आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन के लिए पूछा है तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए तो सिंपली बेटा वही डेल बराबर चेन्नई और डेली मिस देख लेंगे बराबर आई प्लस ई माइनस ए क्यों, और ए को क्या बोल रखो थीटा, तो क्या लिखूंगा आई प्लस ई माइनस थीटा बराबर डेल, तो इसके यहां पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि अपने को चाहिए डी डेल अपॉन डी टी, यही पूछा है ना जी हाँ बिल्कुल यही पूछा है डी डेल अपॉन में डी टी बराबर डी आई अपॉन में डी टी प्लस डी अपॉन में डी टी माइनस डी थीटा अपॉन में डी टी ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट पुटाओ, वैल्यू पुट पुटाओगे आपके पास डी थीटा बाई डी टी कितना है माइनस टू, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस टू और d बाई डी टी की पिछली जो वैल्यू आई थी उसमें से रख लोगे और वो ऑप्शन कौन सा है d बाई डी टी की माइनस टू रूट थ्री बिल्कुल सही, तो आ गया माइनस टू रूट थ्री, तो d बाई डी टी की वैल्यू तो है अपने पास माइनस टू रूट थ्री जो पिछले वाले में जो बेटा आंसर आया d i बाई डी टी, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी बेटा ये तो फिक्स है तो ये क्या हो जाएगी जीरो, समझ गए ना फिक्स है तो क्या होगी जीरो, तो अपने पास बताओ d डेल अपॉन में डी टी क्या आ गया माइनस टू रूट थ्री माइनस माइनस ऑफ माइनस टू, ये है आंसर। आज और चेक करते हैं क्या बोल रखा है उसने कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टू रूट थ्री माइनस टू बिल्कुल आ गया बिल्कुल सही, चेन्नई मैच कर रही है मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप देख लो मैच कर रहा है बेटा। और क्या पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिविजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन थीटा इज 60 डिग्री इज नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव आई ना और थीटा जब कब रख रहे हो 60 डिग्री पे, तो अपने पास ऑप्शंस कौन सा हो गया बॉम्बे चेन्नई एंड दिल्ली, आगरा गलत है बेटा आगरा में टू रूट टू जबकि आंसर अपना कितना है माइनस टू रूट थ्री आया था ओके। तो ये अपना कंप्लीट हुआ कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर टू, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड जेई का फेवरेट है, पूछो क्यों, क्योंकि ये हर टॉपिक इस टॉपिक ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर मतलब तीन चार साल के बाद ये इसे मजे जरूर लेती है और वो टॉपिक जैसे मैं बोलूँगा ना आप बोलोगे ओहो हो मास्टर बिल्कुल सही कह रहा है, टॉपिक का नाम ऑप्टिकल फाइबर, बोलो समझ आएगी नहीं बात। चलो क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाले हैं आप भी रीड करो मैं भी रीड करता हूँ आपके साथ।
अ प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ डब्ल्यू इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन बराबर 1.5 एंड एन टू बराबर 1.44 एज शोन इन फिगर इफ एल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू अ रे एंटरिंग फ्रॉम एंड ए बी विल एमर्ज फ्रॉम एंड सी डी ओनली इफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन इज मेट इन साइड द स्ट्रक्चर फॉर एल बराबर 9.6 मीटर इफ द इंसिडेंट एंगल थीटा इज वेरीड ओके द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय रे टू एग्जिट द प्लेन सी डी इज टी इंटू 10^-9 सेकेंड ओ तो बेटा ये इंटीजर प्रॉब्लम है जहाँ अपने को टी की वैल्यू पुटानी है और स्पीड ऑफ लाइट क्या लेना है सी बराबर 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड चलो तो मैं आपके सामने ये बना रहा हूँ आप अगर इसको देखोगे तो ये आपको क्रॉस सेक्शन व्यू आपको पता है ना कि बच्चे ऑप्टिकल फाइबर में यहाँ पर क्लैडिंग होती है बेटा ऑप्टिकल फाइबर में यहाँ पर क्या होती है इस जगह पर क्लैडिंग होती है ठीक है ना तो अब वैसे तो उन्होंने जो फिगर दे रखा था उनके हिसाब से भी बना लो कोई तकलीफ नहीं है ऐसा फिगर है ठीक है फिगर यही है एग्जैक्टली तो मैं तो ऐसा बना लूँ क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर रियलिटी में तो लगभग क्यों ऐसे ही बना हुआ तो ये यहाँ पर क्लैडिंग है बेटा ठीक है ना तो अब यहाँ एयर नहीं है कोई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम है तो ये आपकी लाइट ऐसे जा रही है फिगर में और ये जाएगी इस तरीके से तो ऐसे गई और ये इस तरीके से चली गई चाहे ये फिगर समझ लो आप चाहे ये फिगर समझ लो कोई तकलीफ नहीं अच्छा इस वाली पूरी की वैल्यू ये जो पूरी ऑप्टिकल फाइबर जो है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9.6 मीटर्स बोलो सही है और यहाँ तो एयर है म्यू है एंगल कहाँ से ले रखा है बच्चे भैया इस पर 90 डिग्री तो ये एंगल थीटा दे रखा है और ये एयर है इधर भी और इसको बोल रखा है बेटा एन टू ठीक है और अंदर वाले को बोल रखा है एन वन कोई तकलीफ नहीं अब सोचो मुझे अगर इसमें मैक्सिमम टाइम इसको इस रे को मैक्सिमम टाइम इसके अंदर ही गुजारनी है वो कब हो सकता है जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे सोचो बेटा अगर ये सर रे ऐसे आई और ये ऐसे चले जाए सीधा चले जाए तो ये तो तुरंत निकल लेगी ना तो जितनी बार ये ऐसे ऐसे करेगी उतना मैक्सिमम टाइम होगा और वो कब करेगी उसके लिए इसको ऐसे जाने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा एंगल थीटा सी दैट इज क्रिटिकल एंगल समझ रहे हो ना क्रिटिकल एंगल होना पड़ेगा तब जाके ये इस तरीके से अंदर इनसाइड जाएगी और फिर इस तरीके से जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा अब थीटा सी क्रिटिकल एंगल अब याद करो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे लिखते थे क्लास में रटवा रखा हूँ साइन सी बराबर छोटा वाला अपॉन में बड़ा वाला अब वैल्यू कितना दे रखा है एन वन एन टू की वैल्यू बेटा 1.44 और 1. कितना दे रखा है 1.4 एन टू है एन टू की वैल्यू 1.4 है एक मिनट और बेटा एन वन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 तो छोटा वाला अपॉन में क्या करोगे बेटा बड़ा वाला छोटा वाला कौन है 1.44 अपॉन में 1.5 आप ध्यान से देखो ये लगभग क्या लिख सकते हो इसको 24/25 बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं तो अपने पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा मतलब साइन सी मतलब वही थीटा सी बोल रहा हूँ ठीक है ना ये नहीं क्या बोल रहा है मास्टर ठीक है अब ध्यान से सोचो अगर मैं बोला कि ये दूरी अगर इसने एक्स है और ये दूरी क्या हो जाएगी डी है ये दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है एक्स और ये दूरी क्या बेटा डी है अब ध्यान से देखो अब मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ स्नेस लगा सकता हूँ और उसने थिकनेस कितना दे रखा है टी की वैल्यू इसकी कितनी दे रखी है 9.6 लेंथ दे रखा है विड्थ कितना दे रखा है विड्थ नहीं चाहिए ओके अच्छा मुझे तो इसे निकालना है ठीक है अच्छा यहाँ ध्यान देखो अब इस वाले में देखो इस ट्रेंगल में ये और ये तो क्या लिखूंगा साइन थीटा सी बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज एक्स बाय डी और साइन थीटा से कितना है 24/25 अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देना उतना भी अच्छा क्वेश्चन है क्यों डी बराबर सर ये तो हम ऐसे ही कर देंगे 25/24 × x अब एक चीज़ देखना बेटा ध्यान से जब ये आया डी बराबर 25/24 × x ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए
x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर इसको मैक्सिमम टाइम इसके अंदर रहना है, x की वैल्यू 9.6 होनी चाहिए, कि जितनी ये लेंथ है वो वैल्यू होनी पड़ेगी, तब जाके ये मैक्सिमम टाइम इसके अंदर गुजार पाएगा। और अगर ये 9.6 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 9.6 मीटर में दे रखा है ना, तो 24 × 6 डी की वैल्यू आ गई 10, ठीक है मीटर, तो ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। ये जो डी आया ये कौन सा डी है, ये वाला इतना सा डी था, ये जो डी आया इसको डी डैश बोल लो, ये डी कौन सा है, ये वो डी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दो या लाइट पूरे इस ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये डी कौन सा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईएमडब्ल्यू बोल दो या लाइट बोल दो, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो, ये वो डी बोल, मतलब ऐसे 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 जाकर के जाएगी ना पूरी यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो डी डैश बोल, क्योंकि ऐसे कितना चलेगा वो एक्स चलेगा। नाउ अब सोचो क्या करोगे आप, नाउ अब आपसे क्या पूछा है, टाइम, तो टाइम बराबर हमें सर पता है खून में बसा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्पीड, ओ लेकिन स्पीड में सर आपने बहुत बार बता रखा है कि अगर मैं स्पीड इन मीडियम लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, सी बाय म्यू, ये चीज़ आपको पता होगा बच्चों, स्पीड इन मीडियम का था सी बाय म्यू, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास 10 अपॉन में स्पीड 3 × 10^8 अपॉन में म्यू इसका कितना देखा 1.5, तो ये अपने पास कितना आ गया 6, तो 10 अपॉन में 2 × 10^8। अब आप पढ़ो क्वेश्चन में, वो आपको 10^-9 सेकंड में आंसर चाहता है बेटा, 10^-9 में, तो इसको ऊपर लेके चले जाओगे, आप पढ़ो वो लिखा है वेयर टी इज टी इंटू 10^-9 सेकंड, तो आप इसको 10^-9 में लेके जाओगे तो क्या लिख सकते हो, 10^-8 और 9 में बदल दोगे तो कितना हो जाएगा 5 − 10^-9 लिख दो तो 5 × 10 50, कितना आ गया 50, तो आपके पास थिकनेस की वैल्यू ये आई, और इसमें से आंसर क्या फिलअप करना है, दिस विल बी द आंसर 50, समझ आई मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, तो ये आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं था बस सर, कुछ बच्चे तो सर 4 लाइन का क्वेश्चन 5 लाइन का क्वेश्चन, ऊपर से ऑप्टिकल फाइबर, ऊपर से फिगर इतनी गंदी सी, मैं तो मुझे से नहीं होगा, आप देखो ध्यान से कुछ भी नहीं था, सिंपल कुछ नहीं, बस ये बात ध्यान रखना था कि ये x की वैल्यू क्या रखूं ताकि ये पूरी d आ जाएगी, समझ पा रहे हो, ये सिंपल d, अभी ये था बता, ये d डैश जो आया वो कितना आया पूरा यहाँ से यहाँ जो ट्रेवल किया है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो एक बार ट्राई करो, फिर नहीं हो तो आप सॉल्यूशन जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, चलिए इसे करते हैं। देखो आप क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन सिचुएशन एज शोन इन फिगर, इस क्वेश्चन से आपको बस यही सीखने के लिए मिलेगी कि सिर्फ ऑप्टिक्स है, रिलेटिव मोशन भी थोड़ा आपको दिखेगा और कोऑर्डिनेट वगैरह सब आप देखोगे, और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है, बस मेरे साथ रहे, कोई तकलीफ नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। अब आप देखो 15 है, अब एक चीज़ बताओ, आपसे पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी वेलोसिटी होगी तो एक तो इसका कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट किधर जाएगा, इस साइड जाएगी, इसको बोलोगे वी एक्स, इसको बोलोगे वी वाई, तो वी क्या लिखूंगा बच्चों, वी एक्स प्लस वी वाई, और इसको जे कैप में लिखना है तो जे कैप में लिख लो, यही तो नेट वेलोसिटी होगी, और खून में बसा है वी एक्स के लिए क्या करना है, ठीक है, खून में बसा है वी एक्स के लिए क्या करना है, तो बताओ वी एक्स के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या लगाते हैं, सिंपल वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस टाइम्स वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, बोलो यही फॉर्मूला लगाते हैं कि नहीं, जब भी वी एक्स के लिए आएगा आँख बंद करके ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन वी वाई के लिए क्या करेंगे वो अभी आपको बताऊँगा, ठीक है, बोलो सही है, अब ध्यान से देखो, तो अपने पास ये आ गया, अब इस वक्त इसका जो कंपोनेंट है वो कितने आएंगे, अब ध्यान से देखो
15 का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 15 का कंपोनेंट क्या जाएगा, cos 53, cos 53 3×9 तो ये कितना आ जाएगा बेटा 9। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये वाली कंपोनेंट कितनी आ जाएगी, ध्यान से अगर देखोगे आप तो ये आ जाएगी 9 और ये आ जाएगा 12। बोलो सही है, कोई तकलीफ? अब ये पुराना प्यारा सा डेटा 20-30 और 20-30 पे हो तो आपको पता है V कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। ये कैसे लिखा है सर, क्यों पागल बना रहे हो, कैसे लिख दिया ये? अरे फ्यू अपॉन में, उफ भूल गए क्या, वैल्यू रखो, U की वैल्यू -30, फोकल लेंथ -20, U की वैल्यू -30 एंड फोकल लेंथ -20, पुट अप करो देखो यही आएगा। क्योंकि ये अक्सर इसलिए मैं डायरेक्ट लिखते क्योंकि मेरे क्लास इलस्ट्रेशंस में अक्सर 20-30 तो 60 तो सो दैट्स वे। अब V की वैल्यू क्या आ गई, -60 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, मुझे इसको लिखना है, अब मैं क्या करूँ, कैसे लिखूँ? तो अपने पास देखो ये वाला ऑप्शन क्या है, वी आई एम क्या लिखूंगा बच्चों, माइनस टाइम्स वी स्क्वायर, वी कितना है 60 अपॉन में यू कितना है को होल स्क्वायर इनटू क्या लिखोगे बेटा, वी यू माइनस वी एम। बोलो ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 टाइम्स। बोलो अब यहाँ जो ये चीज़ आई, अब आपको देखना पड़ेगा वी ओ माइनस वी एम क्या है, ठीक है? तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या लिखोगे बेटा, वी ओ माइनस वी एम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 9, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वी ओ माइनस वी एम देखना पड़ेगा आपको, वी ओ माइनस वी एम क्या लिखोगे बेटा, रिलेटिव मोशन, इस पर बैठ जाओ, इस पर बैठ गए तो इसको पलट के इसको दे दोगे तो ये इधर 9 से आ रहा था, 9 + 2 = 11, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। बोलो कोई तकलीफ? और 11 में कौन सा आई कैप, 11 का आई कैप, तो इनटू 11 का आई कैप, तो अपने पास कितना आ गया -44। ये वी आई एम पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या ये सही आंसर है? ये तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, इतनी ये तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, बट चाहिए हमें वी आई और उसका कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। तो बताओ अब इसको कैसे लिखे 44, तो बताओ कितनी आ जाएगी, सिंपल, अगर ये 44 आई कैप में है तो सिंपली ये मिरर के रिस्पेक्ट में, तो मिरर का -2 करोगे बेटा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी -46। कैसा है, समझ आया ना? ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है और मिरर की कितनी है 2, इधर रख दो वी आई माइनस वी एम, 2 रखोगे तो कितनी आएगी 46 आई कैप। अरे यहां रख दो वी आई माइनस वी एम, वी एम बेटा इधर -2 तो -46। तो अपने पास एक चीज निकल गई और वो एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी आ गया, ध्यान से देख लो आप, एक्स की वेलोसिटी आ गई है। अब मैं इसे रब करने वाला हूँ फॉर वी वाई के लिए, चलो समझ आ गई मेरी बात, एक्स के लिए दिख गया -46, तो यहां लिख देता हूं मैं वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है -46। अब बेटा आप वी वाई के लिए करेंगे, अब देखो वी वाई के लिए, वी वाई के लिए अगर आप देखोगे याद करो, जब भी आप वाई कंपोनेंट के लिए चाहते थे तो आपको पता है m बराबर क्या होता है एच आई वाई एच ओ, और इसको क्या लिख सकते हो -vyu, ठीक है? वी वाई यू रखोगे तो इस साइड चला जाएगा, तो क्या लिखोगे, एच आई इंटू यू। बोलो सही है, अब इसको बताओ क्या लिखोगे, -dh0/dt, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, याद करो dh0/dt इंटू, ठीक है, और इसको छोड़ दो तो भी, अब एक बार इसको छोड़ दो तो माइनस ही आ जाएगी, और इसको पकड़ लो, ठीक है, dv/dt बराबर इधर क्या लिखूंगा dh/dt इंटू यू प्लस du/dt
इन टू बेटा क्या लिखूंगा बताओ? हाँ ऐसा ही आएगा अपने पास। अब ये वाले फॉर्मूले में ये आपको आप याद करो क्लास में भी बेटा आपको बताया था, इसको आप ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से आप देखोगे कौन सा क्या है नहीं है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो यू की वैल्यू कितनी है, -30। अच्छा इस वक्त डीयू बाई डी टी हाइट ऑफ इमेज तो क्या है इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट पे हाइट ऑफ इमेज क्या है, 0। इस इंस्टेंट पे हाइट ऑफ इमेज क्या है, 0। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, 0। तो ये वाली भी तो निपट गई, ये भी क्या है, 0। इस पॉइंट पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, 0। तब अपने पास क्या बचा देखो ध्यान से, -dh0/dt। लेकिन पूछा है वी वाई, और यही तो है बेटा वी वाई, दिस विल बी वी वाई। एंड वॉट इज -dh0/dt, वॉट इज -dh0/dt। लास्ट क्वेश्चन में क्या किए थे बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अपने पास क्या आ गया, तो v की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, v की वैल्यू कितनी आई थी, -60, ठीक है। और dh0/dt कितना है अपने पास, दिस विल बी dh0/dt, दिस विल बी dh0/dt। बोलो कोई तकलीफ? और तुम्हें पता ये ऐसे जाएगी तो इमेज ऐसे जाएगी, मतलब 12 रख दोगे तो ये -12 हो गया इंटू -60, ठीक है, -30। ये वाली टर्म 0 हो गई, तो यहाँ से वी वाई बटा बताओ क्या आ गया, सही लिखा हो ना सब कुछ, 12 बर्छा के 72 720 अपॉन में 30 36, और इधर कितना है बच्चा 30, तो कितना आ गया अपने पास, इसके नीचे में आ जाएगा 720 अपॉन में 30, ठीक है, छम, ठीक है, तो आ गया 24। तो वी वाई कितना आ गया बेटा, 24 का माइनस का 24 है ना, क्योंकि उधर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -30 है ना, तो वी वाई आ गया -24 जी कैप। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आ गया बच्चों, फाइनली क्या आ गया, वी वाई की वैल्यू -24। तो आंसर क्या है, 46 आई कैप -24 जे कैप इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस विल बी आंसर, ठीक है। ध्यान से देख लो, अच्छे क्वेश्चन थे, अक्सर आ जाते हैं, तो इसी में कवर कर लिया, ये वाला बेटा याद रखना सिंपली। अगर वी एक्स पूछा है तो डायरेक्ट वी आई माइनस वी एम बराबर -v² / -v² (vo - vm, और अगर वी वाई वाला चाहिए तो इसको ऐसे लिखेंगे hi - v/u, फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू देखेंगे कौन सा क्या हो रहा है। ये hiq0 क्या hoq, क्योंकि इस इंस्टेंट पर ना तो hi है ना ही hu है, ओके। चलो आप इसे नोट करो और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अगेन अ मल्टीपल चॉइस, सो सिंसियर रहना, थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आप मेरे साथ रीड करो। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ टू मटेरियल्स विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2 एज शोन इन फिगर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट स्फेरिकल सर्फेसेस आर इक्वल। F is the focal length of the lens when n1 = n2 = n. Okay. The focal length is F plus delta F, where n1 = n and n2 = n+δn. Assuming delta N less than अच्छा बहुत छोटा, फिर से सुन लो, assuming delta N less than n-1 and n की value 1 से 2 के बीच में। चलो बच्चों तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, आप देखो प्यारा क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, ध्यान से एक एक स्टेप पढ़ना पड़ेगा, तो क्वेश्चन ध्यान से रहना, ठीक है। अब जैसे पहली बार उसने क्या लिया है आपको, n और n बोला है, ठीक है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा हूँ, ये भी n है और ये भी n है, तो बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर, 1/f क्या लिखोगे बच्चे, ठीक है, n-1/r + n-1/r, तो इसको क्या लिख दूं मैं, 2n-1/r, ठीक है।
अब दूसरे में क्या बोल रखा है, वो दूसरे में क्या बोल रखा है, एन वन बराबर एन टू बराबर एन, दूसरे में क्या दे रखा है वो, कि दोनों कितना हो जाता है एन प्लस डेल्टा एन। ओके, अब दोनों बेटा एक एन है एक प्लस डेल्टा एन है, ठीक है, तो एक एन है एक एन प्लस डेल्टा एन है, ध्यान से रहना थोड़ा सा। तो यहाँ पर वन अपॉन एफ क्या लिखूँगा, एन माइनस वन अपॉन में आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी सेम है, प्लस एन अपॉन में आर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लिया है ना उसने, बिल्कुल सेम लिया है। तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा, टू एन प्लस डेल्टा एन बाय आर, इसको इक्वेशन वन बोल दो, इसको इक्वेशन टू बोल दो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, सही है ना, एन माइनस वन, ओके, टू एन प्लस वन डेल्टा एन माइनस एन बाय आर, इक्वेशन टू बोल दो। नाउ डिवाइड कर दो, नाउ डिवाइड कर दो, टू बाई वन। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन में आर, टू वन प्लस, ओके, यहाँ बेटर टू छूट गया, ठीक है। अब से अब डिवाइड करो, टू बाई वन, तो एफ अपॉन में, अच्छा यहाँ पर डेल्टा एफ होगी ना, एफ प्लस डेल्टा एफ, ठीक है। तो आप बताओ क्या आ जाएगी आपके पास, टू एन माइनस वन अपॉन में टू एन प्लस डेल्टा एन माइनस वन बाय टू, छमछम हो गया, डेल्टा एन माइनस बाय सॉरी डेल्टा एन माइनस टू, ये आ गई अपने पास, ठीक है। अब क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन में आपको कुछ बोल रखा है बेटा, आप ध्यान से देखोगे, आप यहाँ से f बाय डेल्टा f निकाल सकते हो, क्योंकि सॉरी डेल्टा f बाय f, टू बाय वन, टू बाय, अच्छा रेशियो में है, यहाँ वन अपॉन में है ना, तो f प्लस डेल्टा f बाय f आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा f बाय f, तो इसको अलग कर लोगे, f बाय f क्या आ जाएगा, वन, f बाय f क्या आ गई, वन प्लस डेल्टा f बाय f, तो वन को उस सेट भेज देता हूँ, वन को उस सेट भेज देता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, डेल्टा f बाय f, f बाय f वन, टू एन माइनस वन अपॉन में, ध्यान से बेटा, डेल्टा n माइनस टू, बस मैनिपुलेशन है, माइनस वन, बोलो सही है। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसने एक बोल रखा है कि डेल्टा n शायद नेग्लिजिबल है कुछ, इसको पहले सॉल्व कर लो आप चाहो तो, उसके बाद क्या बोल रखा है, डेल्टा n इज लेस देन n माइनस वन, गिवन है बेटा, कहाँ लिख दूँ, यहाँ इस बात को ध्यान रखना कि डेल्टा n इज लेस देन n माइनस वन है क्वेश्चन में, ये बेटा गिवन दे रखा है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ से खोलोगे इसको, क्या लिखोगे, 2n प्लस डेल्टा n माइनस टू, छमछम, 2n माइनस वन माइनस टाइम्स 2n माइनस डेल्टा n प्लस टू, सही ना, कॉमन ले लिया, छमछम 2n माइनस वन माइनस 2n माइनस डेल्टा n माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, बोलो सही है। अब मुझे रब करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो अब यहाँ तक आप पहुँच गए, आप ध्यान से देख लो, अब बताओ इस क्वेश्चन को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से आप देखो बेटा, इसको खोल लो, डेल्टा एफ बाय एफ को खोल लो, तो डेल्टा एफ बाय एफ खोल लोगे तो क्या दिखेगा आपको, एक ये तो ये छमछम हो जाएगी, ठीक है, तो आपको दिखेगा माइनस डेल्टा एन, ठीक है, अपॉन में,
तो फिर अपने पास क्या आ गया, माइनस डेल्टा एन अपॉन में 2n-1। अब आगे देखोगे तो अब आगे वो क्या लिखा है बेटा, ठीक है आगे क्वेश्चन देखोगे तो ये तो आ गई है। अब अपने पास क्या बोल रखा, ऑप्शन पढ़ो कि ये चीज़ बहुत छोटा है, तो आप अगर मैं इसको ये बोल रखा है उसने क्वेश्चन में छोटा है तो आप इसको नेग्लिजिबल कर सकते हो बच्चे, बोलो। और नेग्लिजिबल कर दोगे तो इसको उड़ा सकता हूँ मैं, तो अपने पास डेल्टा एफ बाय एफ क्या आ जाएगा, ध्यान से बच्चों, माइनस डेल्टा एन अपॉन में क्या बचेगा अपने पास 2n-1। अब सोचते हैं, अब यहाँ से बेटा सोचना पड़ेगा, अब यहाँ से सोचना पड़ेगा, आओ सोचते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन पढ़ते हैं। आप देखो पहली बात तो उसने बोला है कि डेली ऑप्शन तो ऐसे दिख गया, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एफ बाई एफ एंड डेल्टा एन बाई एन रिमेन्स अनचेंज्ड इफ बोथ द कॉन्वेक्स सर्फेसेज आर रिप्लेस्ड बाय कॉन्केव सर्फेसेज ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, ध्यान से देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो डी ऑप्शन तो आपका यहीं से हो गया, तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। अब इसको और सजाते हैं, इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड की साइज लिमिटेड है बेटा, तो इसलिए बार बार रब करना पड़ रहा है। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि एक बार कह रहा है कि फिर डेल्टा एन बाय एन अगर निगेटिव है, ध्यान से देखो, डेल्टा एन बाय एन अगर निगेटिव है तो डेल्टा एफ बाय एफ पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली ध्यान से देखो, अगर डेल्टा एन बाय एन निगेटिव हो गया, ध्यान से देखना, अब लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, निगेटिव हो गया तो माइनस तो है ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो डेल्टा एफ बाय एफ ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो बिल्कुल सही है। कौन सा स्टेटमेंट, चेन्नई, तो चेन्नई भी बेटा आपका सही है, ठीक है। अब कौन सा बचा बेटा, आगरा, बॉम्बे और आगरा, चलो इसके लिए चेक करते हैं। अब देखो बॉम्बे देखो, अगर मैं बॉम्बे के लिए देखो बेटा, एन की वैल्यू अगर आपसे दे रखा है कि एन की वैल्यू क्या रखूं, एन की वैल्यू 1.5 है, मतलब अगर एन की वैल्यू, ये तो दे ही रखा था कि 2 से, तो एन की वैल्यू 1.5 हो जाए तो क्या होगा, तो आपसे पूछा है तब बताओ रिलेशन क्या आएगी। तब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू 1.5 हो गई तो ये कितना आ जाएगा, 2n-1, यहाँ रखो 1.5, तो 3-2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओ एक चीज़ आपको दिखा, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, 1 आ गई, 2n-2 n से छोटा है, समझो इस बात को, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ, लॉजिकल है। अब उसने बोला n की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रखा, तो कितना रखा, 1.5, अब 2n-1 1.5 आ गया, 1.5 3-2 कितना हो गया, 1, तो इसका मतलब क्या है, 2n-2 लेस देन किससे, n से। अब अगर 2n-2 लेस देन n है, अब क्वेश्चन पढ़ो आपको दिखेगा, तो आप बताओ डेल्टा एफ की वैल्यू आपके पास इतनी है, अब उसने बोल रखा है कि अगर डेल्टा एन बाय एन ग्रेटर होता है, अगर डेल्टा एन बाय एन, यहां से सोचना बेटा, अगर डेल्टा एन बाय एन ग्रेटर होता है तो डेल्टा एफ बाय एफ लेस देन होगा, क्या ये ट्रू है, आप खुद देखो गलत है वैल्यू, ये तो अभी हम देखें ना, तो आज बॉम्बे, ये बॉम्बे तो, अच्छा बॉम्बे पे तो ये निकालना, आगरा तो गलत होगी बेटा, दिख गया आपको आगरा तो गलत है, कैसे, चूंकि डेल्टा एन बाय एन छोटा है, सॉरी बड़ा है, अगर ये बड़ी होगी तो ये तो निगेटिव हो जाएगी ना, तो ये उसने क्या बोल रखा है, ठीक है, उसने बोल रखा है कि डेल्टा एन को बोल रखा है बड़ी, डेल्टा एन बाय एन की मैग्नीट्यूड बड़ी होगी डेल्टा एफ बाय एफ से, ध्यान से देखो इसको, 2n-2 लेस देन n है, ध्यान से, लॉजिकल है, तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हो, और बोल रखा है डेल्टा एन बाय एन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन होगा डेल्टा एफ बाय एफ, तो ये तो गलत हो गई ना, समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब देखो बॉम्बे में देखो, तो अब इसमें वैल्यू रख दो, बॉम्बे में तो अब कुछ है ही नहीं,
तो डेल्टा एफ बाय एफ रख दो, जो जो वैल्यू दे रखा है वो रख दो। वैल्यू क्या क्या दे रखा है, फोकस लेंथ किस, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, और क्या रखा है डेल्टा एन अपॉन में 2 इंटू एन माइनस 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा ये दे रखा है 20 और फोकस, और एन की वैल्यू दे रखा है 1.5, और डेल्टा एन दे रखा है 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व कर लो, यहाँ से आपको डेल्टा एफ आ जाएगा, और डेल्टा एफ यहाँ से सॉल्व करोगे तो 0.02 आ जाएगी सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बॉम्बे भी सही है, चेन्नई भी सही है, और दिल्ली तो सही है क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, दिल्ली ऑप्शन पर हो आप। लेकिन आगरा में उसने चूंकि ये बोला डेल्टा एन बाय एन ग्रेटर होगा तो डेल्टा बाय एफ छोटा होगा, देखो 2n-2 तो लेस देन एन हो गया ना इसके अकॉर्डिंग, तो ये लिए ए क्या हो गया ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, अब देखो फिर से ट्राई करो, और नहीं होता है फिर आप देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है बेटा उतना, अपनी और भी क्लासेस होती है, जैसे ऑफलाइन में जो कोचिंग चलती है हमारी वहाँ भी क्लासेस लेनी होती है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, कराने को बहुत सारे क्वेश्चन है बट क्या करें टाइम लिमिट है बेटा, तो 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या होता है। दो कॉन्सेप्ट को फिर से मर्ज कर दिया हूँ, वन इज मिरर एंड वन इज थिन प्रिज्म, ध्यान से देखा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर एज शोन इन फिगर, एज्यूमिंग प्रिज्म टू बी थिन एंड स्मॉल इन साइज, ओके, ऑफ प्रिज्म एंगल 2 डिग्री, एंगल कितना दे रखा है 2 डिग्री, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 3/2। तो अपने को क्या पूछा है बच्चे, कोऑर्डिनेट पूछा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से आ जाओ, चलो देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेटा क्या है 5 सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या बोल सकता हूँ बताओ, 5.0, और इस मिरर के लिए क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर 20+5 कितना हो गया 25.0। ये कोऑर्डिनेट समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ। अब थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म का कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। थिन प्रिज्म क्या होता है बेटा, याद करो डेल बराबर μ-1 इंटू ए, ये तो आपके खून में बसा होगा थिन प्रिज्म का फॉर्मूला, क्यों बिल्कुल। अब जल्दी से रखो, म्यू की वैल्यू बताओ बेटा कितनी रखो, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/2, तो 3/2-1 इंटू ए क्या होता है प्रिज्म एंगल, वो कितना दे रखा है 2 डिग्री, ठीक है, तो कितना आ गया 1 डिग्री, तो ये आपके पास डेल आ गई, बोलो सही। नाउ अब आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ी सी चीज मैं आपको फ्लैशबैक करा दूं बच्चे, फ्लैशबैक, और बेटा ध्यान से देखना, याद करो आपको मैं क्लास नोट्स में, जो बच्चे मुझे ऑफलाइन पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि बेटा थिन प्रिज्म में आपको एक ये वाली चीज़ बताया था। अच्छा, इसका यूज बायफ्रेजनल प्रिज्म में भी किया था, कहाँ, वेव ऑप्टिक्स में, अगर याद हो तो। सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगी ऐसी लाइट आई और ये इस तरीके से चलेगी, तो ये डेल हो जाती थी, और ये अगर यहाँ से ऐसे लाइट गई तो इसको ये सीधा कर देगा, टेंडेंसी है इसकी ये डेल, और जब दोनों को पीछे एक्सटेंड करोगे और इसको भी एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं यहाँ मीट करेगी, तो इसकी इमेज यहाँ बनती है बेटा, तो ऑब्जेक्ट्स इमेज कितनी होगी शिफ्ट, तो ये इसको ऐसे बोल देते हैं शिफ्टिंग, याद करो बताया था आपको। और ये दूरी कुछ भी ले लो, ए ले लो सपोज, तो ये डेल है तो ये भी क्या हो जाएगा डेल, तो इस ट्रेंगल में देखो ये टेंडल बोलो क्या लिख सकता हूँ एस वाई ए बोलो, तो यहाँ से शिफ्ट कितना आ गया, ये वाली चीज लिखोगे, और चूंकि थिन प्रिज्म है तो सब कुछ छोटा, तो टेन डेल अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकता हूँ डेल बोल सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। तो बताओ इसको डेल बराबर क्या लिख सकता हूँ, तो इसको डेल लिख सकता हूँ डेल बराबर एस वाई ए, ओके, तो यहाँ से शिफ्ट क्या लिख दूँ डायरेक्ट बताओ, डेल इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ देखो डेल की वैल्यू क्या थी म्यू माइनस वन, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्या बन जाएगा बच्चों, शिफ्ट बराबर देखो आप इस जगह मैं लिख देता हूँ, तो शिफ्ट बराबर आपके पास यहाँ से फॉर्मूला क्या बच बन गया बट देखना,
डेल की वैल्यू म्यू माइनस वन इंटू ए इंटू ए, ये आपके खून में मैं बसा दिया था, आज बस वही यूज में लेना, क्योंकि जब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो है इसकी इसमें शिफ्टिंग कहाँ होगी, ऊपर होगी, और वही क्या हो जाएगा इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो अब बताओ शिफ्टिंग करना है, तो आप ये जल्दी से देख लो कितना आ गया, शिफ्ट अराउंड म्यू माइनस वन इंटू ए इंटू स्मॉल ए, और स्मॉल ए क्या है बेटा ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ से, और जो कि कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखो आप, नाउ तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो बताओ क्या लिखूं, शिफ्ट बराबर, और इसी को शिफ्ट बोल दो या हाइट बोल दो, बात बराबर है, इसी को शिफ्ट बोल दो या हाइट बोल दो, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ यहाँ दिखेगी, ठीक है, तो हाइट क्या लिखोगे, बराबर म्यू माइनस वन। अच्छा इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट लिखी हुई अपने पास, वो कितनी है 1। अच्छा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि डिग्री है तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो डिग्री है तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में, तो बताओ क्या लिखूं, 1 डिग्री बराबर पाई अपन 180 रेडियन। तो अब यहाँ लिख दो, इसकी वैल्यू म्यू माइनस वन इंटू ए, इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू डेल की वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपन 180 इंटू ए की वैल्यू, बेटा ए की वैल्यू कितनी है 5, छम छम, तो कितना आ गया 36। तो आपके पास शिफ्ट बोल लो हाइट बोल लो वो कितनी आ गई, पाई अपॉन 36। अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि इस मिरर से इमेज जो बनेगा उसके लिए मैं क्या करूं, नाउ फोर वी के लिए बताओ बेटा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन आपको पता है इधर है तो माइनस कितनी होगी 25 और फोकल लेंथ इसकी कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ नहीं दे रखी है, फोकल लेंथ इस क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, तो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया -30। तो अब यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा, वी बराबर फ्यू अपन उफ, रखो वैल्यू यहाँ पर फोकस, -30 इंटू -25 थी 75 अपॉन में 25 30 तो अपॉन में 150, तो ये आ गई वी आपकी 150 सेंटीमीटर, तो यहाँ से वी कितनी आ गई आपकी 150 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस का उच्च, तो वी अपने पास आ गया है 150 सेंटीमीटर, वी आ गया 150 सेंटीमीटर, बोलो सही है, लेकिन ये कहाँ से है, ये मिरर से 150 है, और प्लस का मतलब इस साइड बना है, प्लस 150 मतलब इस साइड है, बोलो, और कहाँ से है, मिरर से, लेकिन आंसर अगर मुझे चाहिए तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ से मानना पड़ेगा, अगर इसे ओरिजिन बोल रखा है तो ओरिजिन से चाहिए, तो आंसर क्या आएगा बेटा, अगर एक्स कोऑर्डिनेट देखो तो, एक्स कोऑर्डिनेट देखो तो क्या आएगा, फ्रॉम कोऑर्डिनेट से 25 प्लस 150, तो कितना आ जाएगा 150 प्लस 25, तो बताओ बेटा कितना आ गया 175 सेंटीमीटर, ये एक्स वाली, तो एक पार्ट निकल गया अपना कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट का एक पार्ट क्या आ गया आंसर 175। अब ये वाली पार्ट चाहिए मुझे, चलो आप वो करते हैं जल्दी से देख लो फिर मैं सिर्फ कर रहा हूँ, ठीक है, अब कोऑर्डिनेट की पार्ट देखो, आप इस जगह देखो बेटा, ठीक है, अब देखो आप ध्यान से यहाँ रखोगे तो बताओ, अब आपके पास मैग्नीफिकेशन निकालोगे बेटा, वो क्या होता है माइनस वी बाई यू, लेकिन यहाँ पर अब ये 175 नहीं लेना है, ये तो यहाँ से है मिरर का हमेशा मैग्नीफिकेशन, तो उसके लिए मिरर से दूरी कितनी थी 150, तो क्या रखोगे यू कितना -25, छम 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 छम, तो कितना आ गया 6, तो एम आ गई 6। अब एम को क्या लिखूंगा बेटा, एच आई अपॉन एच ओ बराबर 6, और एच ओ की वैल्यू ही एच थी जो शिफ्ट आई थी ये वाली हाइट बेटा, और वो कितनी आई थी, एच की वैल्यू अभी आपने निकाला था पाई अपॉन 36 आई थी शायद, पाई अपॉन 36 एग्जैक्टली, तो एच इसकी वैल्यू आई थी पाई अपॉन 36, तो एच आई बराबर डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है ना,
और एच नॉट कितना आया था, पाई अपॉन 36, तो इसके जगह रखोगे पाई अपॉन 36, छम छम तो कितना आ गया पाई अपॉन 6। तो आपके पास एक आ गई पाई बाई 6, ये वाई वाली हो जाएगी बेटा, और एक आ गई 175। तो अब ये आंसर एक क्या हो जाएगा पाई बाई 6 और एक आ जाएगा 175। तो फाइनल जो कोऑर्डिनेट का आंसर आया 175, पाई बाई 6। तो देखो आप, एक तो थिन प्रिज्म का कंसेप्ट था, ऊपर से मिरर का कंसेप्ट था, दोनों कंसेप्ट एडिशन हुए, ठीक है। अब अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन हो गए, तो हम मैंने आज 6 क्वेश्चंस के आसपास लिया है। तो अब करना क्या है आपको, मेरा रोल यहाँ पर फिनिश होता है। सबसे पहली बात, एक जो मेरे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ रखे हैं, आप इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देख के जाओगे। इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम क्लास में मुझे याद है मैं 2 क्वेश्चंस कराया था, और जी एडवांस 2018 में वो क्वेश्चन आया है इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, और उसका आंसर लगभग 130 आता है, ऐसे मुझे कराया हूँ तो रटा हुआ है। तो आप जरूर उस प्रॉब्लम को देख के जाए, इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। और बेटा ग्राफ, ठीक है, प्रिज्म का वाला ग्राफ याद है ना आपको, प्रिज्म वाला ग्राफ जो ऐसे करके बनाया था, सिमेट्री नहीं होती है इस तरीके से होती है, ये वाली ग्राफ, और आपको एक ग्राफ ये वाली थी, यहाँ से यहाँ पर ऐसे जाती है, फिर ये उछाल मार देती है यहाँ से, फिर ऐसे करके, ये दोनों ग्राफ जरूर देखना, प्रिज्म वाले कंसेप्ट भी, ये रिफ्लेक्शन वाली ग्राफ और ये प्रिज्म की ग्राफ, ये रिफ्लेक्शन वाली, क्योंकि 2 सॉल्यूशन होंगे याद है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड वन इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों भी देख के आना, इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। और अब आपका रोल क्या है, मेरा रोल प्ले हो चुका है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, आपको इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे 20 क्वेश्चन के आसपास आपको एक मॉड्यूल मिलेगी, सीट होगी DPP, और उसमें लास्ट प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स भी होंगे। बेटा एक बार उसको ईमानदारी के साथ जरूर लगाए, और जो भी डाउट आता है आप टेलीग्राम चैनल पे भेजें, ठीक है, और उस डाउट का सॉल्यूशन मैं भेजूंगा आपको, और फिर भी नहीं होता है तो अपन पर्सनली अपने जो हमारी QCI लाइव ऐप चलती है उस पर देख लेंगे। तो आपका ईमानदारी से काम है, अब होमवर्क करना कर लो। नेक्स्ट चैप्टर बेटा इलेक्ट्रोस्टेट्स का आने वाला है, तो आप ध्यान से करें, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।